नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं आप सभी के समक्ष, जो कि पढ़ाई लिखाई को अलग रखते हुए आज उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि एक चंद्रप्रभा अभयारण्य है, और उसी चंद्रप्रभा अभयारण्य में हम आज आए हैं आपके औरवा टाण नामक जगह पर। यहाँ पर बहुत सारे अच्छी अच्छी प्राकृतिक जगह हैं, जहाँ पर झील झरने आदि हैं, जिनमें से कि लखनिया दरी, राजदरी, देवदरी, लतीफसा और औरवा टाण प्रमुख है। तो आज मैं औरवा टाण देखने आया हूँ और मैं अपने सभी यूट्यूब के दर्शकों को यह औरवा टाण दिखाना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं औरवा टाण का जो बांध है उसे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है हमारे अगल बगल। मन प्रसन्न हो जा रहा है इस जगह पर आकर। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही औरवा टाण बांध है। और यहाँ पर 20 फाटक लगे हुए हैं पानी के बहाव को जारी रखने के लिए। फिलहाल में अभी इसकी पानी संग्रह करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी को रोक कर रखा गया है ताकि बाद में काम दे सके। अब हम इसका उस पार का क्षेत्र आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे औरवा टाण या नौगढ़ का बांध भी इसे कहते हैं। यह नौगढ़ का बांध है, आप सभी देख सकते हैं कितना विशाल काय समुद्र के जैसा ही। यह समुद्र का पैरावाची लग रहा है सच कहिए तो। इतना पानी है इस बांध के अंदर कि अगर खोल दिया जाए तो कई गांव भी बह सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग सरकार सिंचाई के लिए कर रही है। फिलहाल यह बांध अभी आप देख सकते हैं कि बंद है और पानी को रोका गया है ताकि बाद में यह कार्य दे सके। ठीक है, देखिए यह जो पानी आप देख रहे हैं बह रहा है, यह बहते बहते एक जगह जाकर झरने का रूप लेकर यह गिरता है पानी। अब मैं आपको नीचे जाकर उस नीचे की जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य है उसको मैं दिखाऊंगा कि यह पानी जाकर कहाँ गिर रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और यहाँ पर यह नौगढ़ बांध से जो पानी आता है वो मैं आपको सभी को दिखाऊंगा। बहुत ही आनंददायक और रोमांचक दृश्य है। ऐसा यहाँ पर खड़ा होने पर लग रहा है जैसे कि आप कूलर के सामने खड़े हैं और हल्की हल्की ऊपर से बारिश हो रही है, अर्थात कूलर का हवा और बारिश की बूंदें दोनों साथ में। मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ, उधर से पानी आ रहा है बांध की तरफ से और इधर यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये पानी जाकर आगे की तरफ गिर जाता है। आइए देखते हैं पानी को। यह बहुत ही बेहद रोमांचकारी दृश्य है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और यह पानी है जा रहा आगे की तरफ। तो यही है नौगढ़ बांध जो कि मैंने आप सभी को दिखाया। यह पर्यटन बहुत ही ज़रूरी होता है छात्र जीवन में, क्योंकि पढ़ाई तो हमेशा होती रहती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ भ्रमण होने से मन थोड़ा प्रसन्न रहता है। और जब दिल और दिमाग दोनों सही से कार्य करते हैं प्रसन्नतापूर्वक, तब जाकर किसी भी कार्य में मन लगता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या हमारे व्यवसाय का क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो। इसीलिए आज इसी वीडियो के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।